और यही उसकी करामत है, विलायत भी यही है, विलायत भी यही है और करामत भी यही है। क्योंकि बहुत से लोग करामत को देखते हैं, कष्ट को देखते हैं, और लोगों ने बुजुर्गी का जो मैदान है वो बुजुर्गी का मैदान कष्ट और करामत को समझ जाता है। कि कोई आदमी कष्ट अगर कोई बात बता दे तो समझते हैं कि इसको बड़ा पहुंचा हुआ है, या कोई खल के आदत कोई बात किसी से जाहिर हो जाए तो समझते हैं कि ये तो बहुत पहुंचा हुआ है। हालांकि बुजुर्गी का जो ताल्लुक है वो कष्ट और करामात के साथ नहीं है, बुजुर्गी का जो ताल्लुक है वो इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और जिसकी जिंदगी में जितना ज्यादा इत्तेबाए रसूल पाया जाता है वो उतना ही ज्यादा अल्लाह का महबूब और अल्लाह का प्यारा है, चाहे सारी जिंदगी उससे कोई कष्ट और करामत जाहिर न हुई हो, लेकिन इत्तेबाए रसूल अगर मौजूद है तो अल्लाह का भी प्यारा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी प्यारा है। ये उसका परिणाम है और उसकी मिसाल यहाँ पे बयान की कि किसी बुजुर्ग साहिब विलायत के मुताबिक इसी बारे में किस्सा सबक आमोज जमा जरे फल है, लोगों की जबान पर आम है कि उनकी खिदमत में कोई अकीदतमंद दूर दराज के मुल्कों से ये लगन लेकर आया। जैसे लोग अल्लाह वालों के पास जाते हैं अपनी इस्लाह के लिए, अपनी दोस्ती के लिए, अल्लाह के ताल्लुक को हासिल करने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत में जाते हैं। कोई शख्स अल्लाह वालों के पास आया, बड़े दूर दराज का सफर करके आया कि आपकी सोहबत में बाबरकत और सआदत में रहकर रूहानी फैज हासिल करें और करामत व फवाइद की आदत देख कर वला की नियत वाली नफल भी के हुजूर से तस्दीक कलबी को मुख्तर बनाए। यानी जहाँ वो इस इरादे से आया कि वो अल्लाह वालों से कोई रूहानी फैज हासिल करना चाहिए, वहीं ये भी कि कोई करामत देखूंगा, कोई हल के आदत, कोई कष्ट देखूंगा और मेरा यकीन पुख्ता हो जाए। कहते हैं कि एक अरसे तक उनकी खिदमत में हाजिरी का शर्त हासिल करता है, मगर इस असना में उन अल्लाह वालों की उसने कोई करामत नहीं देखी, और जब करामत नहीं देखी तो उसको सख्त ताज्जुब हुआ, और जब ताज्जुब हुआ तो फिर आखिर अपने आप को ये समझ कर कि इतना वक्त मैंने लगाया और अपना घर बार छोड़ा लेकिन मुझे तो हासिल कुछ नहीं हुआ, तो उसने बेनील व मुराद वापस होने का इरादा किया कि बस अब मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, अब मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन जब वापसी से पहले उससे रहा न गया और ये कह बैठा कि हकीर बे मकदार की हाजिरी का सबसे बड़ा सबब यह था कि अपनी आंखों से हजरत की करामत देखकर इल्म को मुशाहिदा ऐनी से पुख्ता करूं और ईमान गैबी को ईमान आयानी से तब्दील करूं। यानी मेरे आने का बड़ा मकसद ये था कि मैं आपके अंदर कोई करामतें देखूं और करामत देखकर और अपने ईमान को पुख्ता कर लूं कि जिन चीज़ों के बारे में पहले सुना करते थे अब उसका आंखों से मुशाहिदा कर लूं ताकि मेरा ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाए। मगर चूंकि मुद्दत क़याम में हजरत की कोई करामत नहीं देख सका इसलिए इस उम्मीद को दिल ही दिल में ले जा रहा। जवाब में इशारा हुआ कि तुमने अपनी मुद्दत क़याम में मेरा कोई और या फिर इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आया। उसने अर्ज किया कि नहीं। तो फिर इरशाद हुआ कि इससे बढ़कर और कौन सी करामत देखना चाहता है। अल इस्तिकामा फौका अल करामा, कि दीन के किसी एक मसले पर इस्तिकामत का हासिल हो जाना हजार करामतों से बढ़कर, हजार करामतों से बढ़कर। तो जब इसने ये कहा कि मैं आया था इस मकसद के लिए था लेकिन मैंने आपके अंदर कोई करामत ही नहीं देखी, अब वो करामत देखने की हसरत और आरजू दिल में लेके जा रहा है। तब अल्लाह वालों ने कहा कि इतने अरसे जो तू यहाँ पर रहा, मेरा कोई फौज, मेरा कोई फेर, मेरा कोई अमल तूने सुन्नत के खिलाफ देखा, इत्तेबाए रसूल के खिलाफ देखा। कहा कि नहीं। फरमाया कि इससे बढ़कर कौन सी करामत देखना चाहता है। वाकई मुताबियात रसूल के इस दर्जे तक पहुंच जाने पर
बड़े से बड़े बुजुर्ग में भी मजीद खूबी तलाश करने की जरूरत नहीं रहती। ये थी अहमियत इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जहां पर इंसान की नीयत के अंदर खराबी होती है वहां पर इंसान फैज से भी महरूम रह जाता है कि आया वो अपनी दोस्ती के लिए नहीं था, वो तो करामत देखने के लिए आया था। यही वजह है कि उनकी सोहबत का जो फायदा और नफा उसे पहुंचना चाहिए था वो फायदा और नफा नहीं पहुंच सका। इस वजह से कि नीयत में शर्त यह था कि कोई कश्म और करामत देखनी दे दू। इसी तरह वाक्य आता है हमारे अकाबिर में से बहुत बड़े अल्लाह वाले बड़े फकीर बड़े मुहद्दिस हजरत मौलाना रशीद अल-नसाब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के अबू हनीफा थे। एक शख्स आया मिंबर पर रहता काफी अर्सा गुजरने के बाद कहने लगा कि हजरत मैं तो वापस जा रहा हूं और मुझे यहां रहकर कुछ फायदा हुआ नहीं। तो हजरत ने बताया कि भाई बहुत अच्छा चले जाओ लेकिन एक बात सिर्फ बताते जाओ कि तुम आए थे तो किस नियत और इरादे के साथ आए थे, यहां आने का मकसद तुम्हारा क्या था। कहने लगा कि मैं तो यहां पर इस नियत से आया था कि कुछ अरसे आपके पास रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा और फिर आपकी तरफ से मुझे इजाजत से बैत मिल जाएगी तो फिर जिस तरह से लोग आपकी खिदमत करते हैं तो मेरी भी खिदमत करेंगे, मुझे भी लोग हदायत देंगे मेरी भी खिदमत करेंगे, जूतियां उठाएंगे मेरा भी बदन बनाएंगे। तो हजरत ने फरमाया कि जा भाई अब तेरे जाने का हम नहीं क्योंकि तू तो शिर्क में मुबतला था, तेरी तो नीयत ही पहले फासिद थी और जब तेरी नीयत ये फासिद थी तू अपनी इस्लाह के लिए नहीं आया था, कोई फैज लेने के लिए नहीं आया था, तू तो बड़ा बनने के लिए आया था और बड़ा बनने की चाहत लेकर आया था और ये रास्ता छोटा बनने का है, ये रास्ता अपने को मिटाने का है कि जो अपने को बड़ा बनना है ये बड़ा बनने के लिए इस रास्ते को अख्तियार करें। तो याद रखें कि कभी वो फैसला नहीं हो सकता। इसी तरह वाक्य आता है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स बहुत अरसे तक उनकी खिदमत में रहा और उसने भी यही बात कही कि हजरत मैंने तो आपके अंदर कुछ कश्म और करामत तो देखी नहीं इसलिए अब मैं वापस जा रहा हूं। तो हजरत ने फरमाया कि भाई सबसे बड़ा कष्ट यह है, सबसे बड़ा कष्ट कहते ना कि कोई ऐसी गैर किसी इंसान को नजर आ रहा है तो महसूस हो जाए कि जो औरों को नजर ना आती उसको नजर आ गई, ये कष्ट है। तो फरमाया कि सबसे बड़ा कष्ट यह है कि इंसान को अपना ऐब नजर आने लगे, अपनी खराबी नजर आने लगे, ये सबसे बड़ा कष्ट। अब अंदर की चीज तो नजर ना आए और दूर की चीजों को देखने की कोशिश करे तो जो पहले अंदर तेरे खराबी मौजूद है तो पहले उस खराबी पर तो नजर कर देखो क्या खराबी है। तो सबसे बड़ा कष्ट क्या है इस बात को जहन में रखना चाहिए कि सबसे बड़ा कष्ट यह है कि इंसान को अपना ऐब नजर आ रहा है, अपनी खराबी नजर आ रहा है। और इसका बड़ा फायदा है कि जब अपना ऐब अपनी खराबी इंसान को नजर आती है एक तो ये फायदा होता है कि उसकी दुरुस्ती का फिक्र करता है कि इस खराबी को दुरुस्त करना चाहिए और दूसरा फायदा ये होता है कि जब अपना ऐब अपनी खराबी नजर आती है तो फिर दूसरों को बुरा नहीं समझता कि अगर दूसरे के अंदर एक बुराई है मेरे अंदर तो 10 बुराइयां हैं तो मैं तो उससे ज्यादा बुरा हूं तो फिर मैं किसी को हकीम कैसे समझूं। तो दूसरों की हिकारत से आदमी बच जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है इंसान को अपने ऐब नजर आने लगे। और फरमाते थे कि मेरी सबसे बड़ी करामत क्या है, सबसे बड़ी करामत करामत कहते हैं कि नबी से कोई ऐसी बात साबित हो कि जो खल्क की आदत है जो आमतौर पर इंसानों से उस बात का जरूर नहीं होता तो नबी से अगर वो खल्क की आदत जाहिर हो वो मौजज़ा कहलाता है और अगर किसी वली से वो खल्क की आदत जाहिर हो जाए तो वो करामत कहलाती है। और करामात औलिया हक है, जैसे मौजज़ा हक है इसी तरह करामत भी हक है। लेकिन है गैर इख्तियारी चीज, किसी वली के इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ताला जाहिर फरमा दे उसके हाथ से एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी करामत क्या है, ये तो गैर इख्तियारी चीज है और अक्सर लोग इख्तियारी को छोड़कर गैर इख्तियारी के दर पे होते हैं।
और जब इख्तियारी को छोड़कर गैर इख्तियारी के दर पे होते हैं तो होता क्या है कि अपने असल मकसूद से रह जाते हैं, अपनी मंजिल पाने से रह जाते हैं, क्योंकि जो मकसूद था, जो रास्ता था, उसको छोड़कर किसी गैर मकसूद पे चल पड़े तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा, ये तो भटक गया। तो सबसे बड़ी करामत क्या है? सबसे बड़ी करामत यह है कि दीन पर इस्तिकामत हासिल होता है, ये सबसे बड़ी करामत। तो जिंदगी में इस सबक को हमेशा याद रखना चाहिए कि भाई सबसे बड़ा कष्ट यह है कि इंसान को अपने उयूब नजर आने लगे, अपनी खराबियां नजर आने लगे, ये सबसे बड़ा कष्ट है। और सबसे बड़ी करामत यह है कि इत्तेबाए सुन्नत की, दीन पर अमल करने की तौफीक हो जाए, ये फरमाया कि सबसे बड़ी करामत है। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, लोग करामत को देखते हैं ना कि ये करामत किसी के अंदर है ही नहीं, तो फरमाया करते थे कि भाई अगर कोई हवा में उड़ के दिखाए, कोई इंसान है हवा में उड़ के दिखाया, कैसे वाकयात है और ये अल्लाह के जिन्होंने उड़कर भी दिखाया है, तो फरमाया कभी मुतासिर ना हो। ये हवा में उड़ना ये कोई मुतासिर होने वाली बात नहीं है, क्योंकि परिंदे भी तो हवा में उड़ते हैं, तो क्या मतलब वो भी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं? परिंदे जो उड़ते हैं वो भी वली हैं। तो हवा में अगर कोई उड़कर दिखाए तो ये विलायत की निशानी नहीं है, ये कोई बुजुर्गी की निशानी नहीं है। अगर इसे कोई बुजुर्गी की निशानी समझे तो फिर सारे परिंदे जो उड़ने वाले हैं उनको भी बुजुर्ग समझे, उनको भी वली समझे। और अगर कोई पानी पर चल कर दिखाए कि दरिया है, दरिया के पानी पर कोई चल के जा रहा है, तो लोग बड़े हैरान होंगे कि बड़ी करामत है, तो बड़ा पहुंचा हुआ है। तो फरमाते थे कि भाई मुतासिर मत हो, इस वजह से कि पानी को तो तिनके भी तैर जाते हैं, तो ये कौन सी करामत है कि एक तिनका जो काम करे अगर वो काम इंसान कर ले, तो ये कौन सी अचंभे की बात है। हम फरमाया करते थे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कि किसी शख्स को अगर पहचानना चाहते हो, देखना चाहते हो, अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, तो सिर्फ एक चीज के अंदर उसको पढ़ो और एक मायार मुकर्रर कर लो, और वो मायार और वो कसौटी क्या है, वो इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसकी जिंदगी जितनी कदम ब कदम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उतना ही बड़ा अल्लाह वाला है, उतना ही बड़ा वो पहुंचा हुआ है। चाहे सारी जिंदगी में कोई कष्ट और करामत उससे जाहिर न हुई हो, लेकिन जिंदगी के अंदर इत्तेबाए रसूल पाया जाता है, गुलामी मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बस ये सबसे बड़ा आशिक रसूल की है और ये अल्लाह के वली और दोस्त भी है। क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा, फत्तबिउनी के बाद फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, कि जो आपका इत्तेबा करेगा उसका समरा क्या होगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो ये इत्तेबाए रसूल अलामत इस बात की है कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह इस बंदे से प्यार करता है। जब भी इत्तेबाए रसूल की इसको तौफीक दे दी, बस फिर इसके बाद किसी कष्ट और किसी करामत की जरूरत नहीं है। तो ये मायार हमारे जहनों के अंदर होना चाहिए। तो उस शख्स का ये वाक्य चल रहा था, तो अल्लाह वालों ने कहा कि भाई इतनी मुद्दत तू यहाँ पे रहा, तो तूने मेरा कोई फेर, कोई कौल, कोई अमल इत्तेबाए रसूल के खिलाफ पाया? उसने कहा कि नहीं। फिर फरमाया कि इससे बड़ी और बढ़कर और कौन सी करामत देखना चाहता है। वाकई मुतालियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दर्जे तक पहुंच जाने पर बड़े से बड़े बुजुर्ग में भी मजीद खूबी तलाश करने की जरूरत नहीं रहती। ये थी अहमियत इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखना यह है कि दीन किस नौइयत के इत्तेबा का नक्शा हमारे सामने रखता है, यानी किस किस्म के इत्तेबा का तकाजा दीन हमसे करता है, इस पर इंशाल्लाह आइंदा कल बात होगी कि आखिर वो दीन का तकाजा क्या है, कि किस तरह उस इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगियों के अंदर लाया जाए। अल्लाह ताला हमें सच्चाई के साथ, सिद्क के साथ इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक अता फरमाए। वाहु तआला ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا
यादा नसीब करो, अपने रसा वाले कामों की यादा तौफीक अता करो, अपनी मर्जियात पे चलना यादा नसीब करो, ना मर्जियात से यादा हमारी हिफाजत करना, या अल्लाह साहिबी बात की हर किसी तरफ की याद अता करना, इस जिक्र हबीब की यादा कामे बरकात हमें नसीब करना, जिक्र हबीब के अनवार से हमारे कुलूब को मुनव्वर करना, अपने नबी की तालीमात पर या अल्लाह हमें चलने वाला करना, आपके तरीकों की मोहब्बत और अज़मत या अल्लाह हमारे दिलों में पैदा करना, या अल्लाह सहाबा की खुलाफाए राशिदीन की अहले बैत की मोहब्बत और अज़मत हमारे दिलों में पैदा करना, उनके नक्श कदम पर या अल्लाह चलने वाला करना, अपने नबी के साथ या अल्लाह हमें वफा करना नसीब करना, आपकी गुलामी में जीने और मरने की या अल्लाह शौकी अता करना, या अल्लाह हमें खत्म नबूवत का इतना सा सिपाही बना और नामू से रिसालत का नामू से सहाबा का या अल्लाह हमें मुहाफिज बना, या अल्लाह इस हबीब की बरकत से सारे आलम को सारी इंसानियत को इस वबा से नजात अता करना, ऐ अल्लाह इस इम्तिहान से आजमाइश से सारी इंसानियत को नजात अता करना, शिफा को या अल्लाह नाज़िल करना, शिफा की हवाएं चला, इसके मुतासिरीन या अल्लाह जहाँ कहीं भी हैं या अल्लाह हमारे मुल्क में हमारे महल बस्तियों में या अल्लाह सबको सहते कामिला आजिला मुस्तमिल अता करना, या अल्लाह सबकी मुश्किल को आसान करना, सबके दिलों के लिए इरादों को तमन्नाओं को सहज पूरा करना, या अल्लाह सबकी हाजात को पूरा करना, सबकी परेशानियों को या अल्लाह दूर करना, बीमारियों से या अल्लाह हिफाजत करना, हर नागहानी बला और मुसीबत से या अल्लाह हिफाजत करना, जमीनी आसमानी आफात से या अल्लाह हिफाजत करना, मूसी अमराज से या अल्लाह हिफाजत करना, या अल्लाह सबके इल्म में अमल में रिस्क में खूब खैर व बरकत करना, अब वाद रिस्क या अल्लाह कुशादा करना, रिस्क हलाल अता करना, आसान अता करना, बरकत वाला अता करना, या अल्लाह कभी किसी को मखलूक का मोहताज अदा करना, हमेशा अपने घर का साए व फिकारी करना, अपने घर का मुमता व सवारी करना, अपने गैर से या अल्लाह हमारी उम्मीदों को पता करना, अपनी ज़ात आली का यकीन हमारे दिलों में पैदा करना, या अल्लाह हर उम्मीद को अपनी ज़ात से वाबस्ता करने वाला करना, या अल्लाह ईमान की तरक्की अता करना, आज़ादी सलामती अता करना, हर मोहताजी से माजूरी से हमारी हिफाजत करना, या अल्लाह हमारे मुल्क पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करना, इस मुल्क को अमन का सलामती का गहवारा करना, या अल्लाह हर किस्म की दहशत गर्दी से इत्तेफाक़ियत से मजहबी मुनाफरत से इस मुल्क की हिफाजत करना, या अल्लाह हमें एक बना और एक बना, कलिमा वाहदा पर या अल्लाह पूरी उम्मत को मुत्तहिद करना, या अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं सबके जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत करना, घर बार की हिफाजत करना, औलाद की या अल्लाह हिफाजत करना, या अल्लाह जितने भी हाजरीन हैं सामीन हैं या अल्लाह सबके घरों में चैन सुकून आफियत राहत अता करना, नेमतों की फरामानी अता करना, या अल्लाह नेमतों की किल्लत से दिक्कत से हिफाजत करना, सबकी औलादों को या अल्लाह नेक सवाले बना, सबका मुस्तकबिल या अल्लाह ताबनाक बना, हर इख्तलाफ से आजमाइश से या अल्लाह हिफाजत करना, या अल्लाह की रहमतों का बरकतों का राहतों का नुज़ूल करना, ज़हमतों को दूर करना, या अल्लाह में आपके किरदारे अता करना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى وسلم على